हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रतिक्रिया, जिस पर मैं देती हूँ प्रतिक्रिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो है पंजाबी सिंगर काका का। जी हाँ, काका। सो काका जो है भाई काफ़ी फेवरेट है लोगों का, क्योंकि एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि काका इसलिए फेवरेट है क्योंकि उनका जो अंदाज है उसके लिए काफ़ी, और आज का जो गाना है उन्होंने खुद पे लिखा है, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस सॉन्ग को एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत सुना है पहले, लेकिन जब भी हम लोग ये सॉन्ग सुनते हैं ना तो मुझे बहुत पसंद आता है। और काका के बारे में मैं क्या ही बोलूँ कि सारे सॉन्ग, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसको मिलियन में व्यूज़ है। जैसे उनका वो सॉन्ग था टेम्पररी प्यार, जैसे आपने सुना होगा, वो भी बहुत मस्त है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो सॉन्ग देखिए। और आज का जो सॉन्ग है एक्चुअली काले जो लिबास, तो ब्लैक कलर तो मेरा बहुत फेवरेट है वैसे भी। और ये गाना जो है मुवनमनपुरा में, लेकिन मिलियन में इसके व्यूज़ है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, तो इसलिए आज हम ये सॉन्ग देखेंगे काले जो लिबास। कुड़ी
नकली पकारे जने बने भगत तो ओ काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो शौकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। भाई ये कौन सी बात हो गई यार, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ ऐसे थोड़ी ना रहता है, ब्लैक कलर फेवरेट है फिर काला बनना क्यों नहीं चाहिए। ये बात तो बहुत गलत है यार बंदियों की। ये जो सॉन्ग उन्होंने लिखा है एक्चुअली काका ने तो खुद पे ये लिखा है, एक्चुअली काका का जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसकी वजह से उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग दुनिया में बहुत सारे ना कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ऐसे, हाँ भाई तुम काले हो तुम गोरे हो, अरे यार इंसान इंसान होता है, उसका रंग रूप आप उससे जज कर दो एक टाइम के बाद। और मैं एक बोलना चाहूंगी कि भाई ये इसे बहुत ऐसे जजमेंटल लोग होते हैं हमारे यहाँ, बहुत ऐसे बार हो जाता है कि लोग ना ऐसे कि हाँ भाई तुम काले हो तो तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम गोरे हो तो तुम अच्छे नहीं दिखते हो। ऐसा नहीं है, हर इंसान को ना रब ने अच्छा कुछ बनाया है, हर इंसान में एक क्वालिटी होती है। अभी काका की आवाज ले लो भाई, ठीक है उनकी जो आवाज है सो इतनी अच्छी है, लोग उनको इतना पसंद करते हैं, शायद किसी दूसरे सिंगर में ऐसी क्वालिटी होगी, है ना। हर किसी में अलग बात होती है, हर किसी का गॉड गिफ्ट होता है भगवान के पास, तो उसको इतना जज नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो सॉन्ग लिखा है ना एक्चुअली वो बहुत सही लिखा है, और वो आज इस लेवल पे है कि वो जो उनके जैसे लोग हैं उनको समझा रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया ये सॉन्ग, और मैं काका की बहुत बड़ी फैन हूँ पर्सनली। मैंने उनका जो टेम्पररी सॉन्ग अभी तक 100 से 150 बार सुन लिया है, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए। और ये गाना भी मैंने पहले बहुत बार सुना है लेकिन पूरा नहीं सुना था, तो मैंने आज पूरा सुन लिया फाइनली आप लोगों की वजह से। तो मुझे बहुत पसंद आया सॉन्ग, होप्स आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये सॉन्ग। और जैसे ऐसे लोगों को जो है जैसे कैसे ट्रीट किया वो बंदी ने पहले जो है जैसे उनके साथ में ट्रीट किया, तो ऐसी जो सारी चीज़ें ना भाई नहीं करनी चाहिए, हमको इस वीडियो से सीखने को मिलता है। भाई आपका फ्रेंड काला हो गोरा हो कैसा भी हो, इंसान इंसान रहता है और उसका रंग रूप नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें सब वीडियो में से सीखने मिलती है। और काका जो है इनके बहुत सारे अभी जो सॉन्ग बाकी हैं जिसपे हम लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है उस पर जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।